हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं गुरविंदर कौर लुधियाना तो आज मैं स्कूल में हूँ जी। सबको मेरा सलाम, अदाब, नमस्कार, प्रणाम। आज मैं हूँ स्कूल में। आज मेरे बच्चों की एक्टिविटी है, जो इको क्लब होती है ना, उसके तहत एक्टिविटी है। आज यही वीडियो है, छोटा सा। बच्चों को कटिंग लगाना सिखाया। और ये देखें जो सामने है ना, ये लेमन ग्रास का झाड़ है। देखना जी कितना भारी हो रखा है, कितना घना हो रखा है। सो इसको थोड़ी देर हुए लगाए, क्योंकि ये ज़मीन में लगा है, बहुत ही अच्छे से फैल गया है। जब इसको मैंने ज़मीन में लगाया था तो तब मैं ये गमले में भी लगाया था, तब गमले वाला है जो इतना नहीं बड़ा है जितना ये बड़ा है। ग्रीन भी ज़्यादा है जी। सो आज कटिंग लगाएंगे पत्थर चट्टा की। ये मेरे स्टूडेंट है, ये कचनार का पेड़ है जो लगाया है प्लांट। तो इसके लिए भी कोई बच्चा इसके बीच में से ना निकले। और ये ना ईंटें लगा रहे हैं साइड पे। तो ये मेरे स्टूडेंट हैं, इनको मैंने सिखाया है आज कैसे गार्डनिंग करते हैं। बच्चों को सिखाएंगे तो तभी करेंगे ना बड़े होके। तो और आगे दिखाती हूँ, जो पहले से लगाए हुए थे ना प्लांट, उनके जो मिट्टी सॉफ्ट होती है ना, कल बारिश आई थी उसकी वजह से उनकी साइड साइड में ना मिट्टी दब गई है। आज उसमें जा और मिट्टी डालेंगे। ये नहीं डालेंगे तो उसका जो है रूट रॉट हो जाएगी। ये देखिए कटिंग काट ली यहाँ से। ये पत्थर चट्टा का प्लांट है, यहाँ से काटो, यहाँ से। हाँ जी, काटो काटो आराम से आराम से, तोड़ना नहीं है, टिशू डैमेज हो जाएगा। ये देखें, ये काट लिया है ना। पत्थर चट्टा का प्लांट काफ़ी लैगी हो गया था। इसका एक जो है ऊपर से ना निकाल के यहाँ होल बनाओ बनाओ। हाँ, इसमें लगा दो, लगाओ लगाओ अच्छे से, नीचे 2 इंच तक घुसा दो। चलो हो गया, ऐसे कटिंग लगती है। और ये पत्ते से भी ग्रो होता है। एक पत्ता काट लो, पत्ता काटो वहाँ से ना, यहाँ ये बड़े वाला काटो। ये जो इसके ना किनारे किनारे हैं वहाँ से इसकी रूटिंग हो जाती है, न्यू प्लांट्स निकलते हैं वहाँ से। चलो ये प्लांट को, हाँ आड़े तिरछा करके ना लेटा के लगाओ इसको, ऐसे ऐसे। पहले मिट्टी खोद लो, उसके बाद लेटा के इसको लगा दो, इसकी रूटिंग हो जाएगी। पत्ते से कैसे ग्रो करते हैं, बहुत सारे प्लांट है जो लीव से ग्रो हो जाते हैं। ये पत्थर चट्टा का भी प्लांट है जो पत्ती से ग्रो हो जाता है। ये लग गया हमारा। तो कुछ ये हैं रेन लिली के बल्ब से, रेन लिली का पॉट टूट गया था, वो मैंने डिवाइड करके ना पूरी क्यारी में लगा दी है। वो अब जुलाई का मंथ है, सब लग जाएंगे। ये हैं रेन लिली के हमेलिया के पास। और इधर भी जो लगाए थे ना, उनको साइडों से ये दबा दबा जो ना, वहाँ पे मिट्टी और डालनी है। जेकर ना डाली मिट्टी तो वहाँ से पानी अंदर जाता रहेगा और रूट रॉट हो जाएगी। अच्छे से दबाओ, हाँ बीज बीज। और इस मेरी तरफ, हाँ इस साइड भी डालो मिट्टी, डाल दो डाल दो अच्छे से। ये देखें अच्छे से दबाओ, जब भी बारिश आती है तो ना साइडों से मिट्टी दब जाती है इसकी। तो सभी प्लांट जितने न्यू थे तो उसके आसपास मैंने मिट्टी ऐसे ही लगा दी है। चलो चलो करो करो, हाँ अच्छे से मिट्टी। इस सदाबहार का झाड़ भी बहुत बड़ा हो रखा था, इसको ऊपर ऊपर से काट दिए और अब ये और घना हो जाएगा। ये देखें, इसको थोड़ा लेवल करते हैं ताकि क्यारी में पानी ना रुके। ये देखें, ये कर दिया, सारा लेवल कर दिया है। तो
क्यारी में पानी रुकेगा ना तो जो बहुत ज़्यादा मिट्टी गीली रहेगी तो फिर अच्छा नहीं रहता, प्लांट की रूट रॉट हो जाती है। चलो चलो हो गया। बहुत जल्दीबाजी में मैंने की थी ये वीडियो, बच्चों के पास इतना समय नहीं रहता। 30 मिनट का पीरियड होता है एक्टिविटी का, तो उसमें ही सब करवाना होता है। तो ये मैंने करवाई थी एक्टिविटी, हाउ टू ग्रो पत्थर चट्टा कटिंग फ्रॉम स्टेम एंड लीव। चलो ये पहले का पढ़ा है वहाँ पे, उसकी तो कर दी थी ना वो वीडियो, थोड़ा स्कूल में बहुत शोर था इसीलिए। ये भी हमारी रेन लिली है, ये है क्या बोलते हैं उसको, डबल चांदनी। डबल चांदनी का प्लांट है, इसके आस पास भी ये देखे ये दब गया है। ये वो है येलो बेल्स टिकोमा का प्लांट है, इसके आसपास जो मिट्टी है इसको अच्छे से दबा दो, अच्छी तरह इसको खड़ा सा करना ना थोड़ा सा। ये देखें इसके आसपास मिट्टी डाल दी ताकि ज़्यादा पानी भरा ना रहे। कल काफ़ी ज़्यादा बारिश आई जिससे ऐसे ऐसे थोड़ा सा दबा दो ताकि इसकी जो जड़ है और रूटा जो मिट्टी में और धंस जाए, ज़्यादा अच्छे से रूट पकड़ ले प्लांट। चलो हो गया जी। ये मेरे बच्चों को मैंने ये रेल लिली भी लगाना सिखाया, ऐसे इसके बल्ब निकालते हैं प्याज के जैसे होते हैं, इसको ऐसे दबा देते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज का जो छोटा सा वीडियो है इसको पूरा देखना, स्किप मत करना। कैसे मेरे स्टूडेंट मेरे बच्चे प्लांट लगा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए आइडिया के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। ये एक पहले की क्लिप थी ना जब नहीं इसको रिपोर्ट किया था, वो है बच्चों को सिखाया कैसे पहले गुड़ाई